तो अभी आपको लाइट कम दिख रही होगी क्योंकि इस टाइम पर अभी ऐसी रोशनी होती है जो लाइट को भी फेल कर देती है। लेफ्ट राइट देखते हुए चलते रहना। टहनी चटनी के चटकने या पत्ते की आवाज़ ना डरा देती है। आगे निकले पीछे निकले बगल में ना निकले कुछ, वो डेंजर रहता। ग्रासलैंड कितना साफ दिख रहा है ना। जंगल बहुत शांत है दोस्तों, आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। रोड देखिए कितनी साफ है और काली भी है, दिख ही नहीं रहा कुछ। रेत पर सांप बहुत अच्छा लगता है देखने में। हाँ, इसमें यही इसी रोड इन्हीं रोडों पर तो दो तीन बार आपको सांप दिखा दिया हमने। ये पतंगा क्या गया, छोटा सा कीड़ा था। अंधेरा होता ही तो अगल बगल पता नहीं चलता कि क्या है ना। वो इस वक्त तो टीटीआरई की भी आवाज़ डरा दे रही है। तो दोस्तों व्लॉग तो हम लगभग रोज़ ही डालते हैं, लेकिन कमेंट रोज़ किसी के नहीं आते। जितने लोग देखते हैं प्लीज़ कम से कम एक कमेंट ही कर दिया करें कि अच्छा या बुरा कुछ तो बताएं। और फिलहाल हम अभी हैं पोवलगढ़ के जंगल में, ये ड्राइव हो रही है बैल पड़ाव से पवलगढ़ के जंगल तक की। तो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है और जा रहे हैं हम अपना घर। तो सोचा आप लोगों को भी जोड़ा जाए अपने साथ में। और सबसे बड़ी बात, आज माइक लाना भूल चुके हैं बिल्कुल, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने फ़िलहाल अपना रुमाल लगाया है ताकि हवा की आवाज़ कम आए, क्योंकि आप लोगों को पूरी अच्छी सुविधा देने की कोशिश रहती है और मैं नहीं चाहता कि अपने सब्सक्राइबर्स को मैं निराश करूं। जी हाँ, हल्की सी भी ज़रा सी आवाज़ भी आई अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आवाज़ आई थी। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कि ऑडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कत थी। तो चलिए, ये तो एक शिकायत थी, मैंने आपको पहले ही बता दी, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल लौटते हैं अपने जंगल में अपनी रोड पर। जी हाँ, नाइट ड्राइव जो कि हम हमेशा करते हैं, रोज़ के रोज़ करते हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कुछ लोग हमसे और बहुत ज़्यादा कुछ नाराज़ भी होते हैं। नाराज़गी इसलिए क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करते हैं। जी हाँ, फिकर किया
कि आप बाइक से जंगल में मत जाया करें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर और मैडम, लेकिन जब बाइक है तो उससे ही आना जाना करना पड़ता है हमें जंगल में। तो आपको तो हम बस वीडियो में साथ जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि क्या पता कुछ मिला तो एक प्रकार से कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाएगा और आप लोग भी देख लेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी। और हमारी कोशिश रहती है रोड पर अपना पूरा फोकस रखें, जो मिले वो आपको दिखाएं, अदरवाइज़ जंगल कैसा रहता है रात में वो दिखाएं। और बाकी हम घर जाते हैं कैसे ये भी दिखाना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों अभी तक आपको हमने अलग अलग जिम कॉर्बेट के एरिया दिखाए हैं, जैसे कि काला डूंगी का जंगल, सीतावनी का जंगल, और सीतावनी का जंगल में जो एलिफेंट की जो घटना थी वो आपने देखी, बहुत प्यार दिया। जानते हैं उसमें हाथी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख पाए क्योंकि अपना बचाव पहले ज़रूरी था। मुझे हाथियों को दिखाना या उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि हाँ हाथी दिखा तो आपको पहले हाथी रिस्क लेके दिखाऊं। मैं जानता हूं और जंगल से हम रोज़ होकर गुजरते भी हैं तो हमें पता रहता है कि हाथी कितना ख़तरनाक रहता है। भले वो शांत भी रहता है लेकिन सबसे एग्रेसिव जानवर भी वही है। सो ज़्यादा रिस्क ना उठाकर अपना गाड़ी बैक करके दिखाई थी हमने उसमें। कोई नहीं, दिखाने वाली बात है, कभी ना कभी दोबारा मिलेगा तो दिखाई देंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अपना रोड पर फोकस रखें, नाइट ड्राइव इसी का मतलब है, ना कि वाइल्ड लाइफ से कोई मतलब है हमें। वाइल्ड लाइफ तो दिख जाती है तो वो दिखा देते हैं। तो हम तो बस आपको ये दिखाते हैं कि जंगल के बीच से होकर जाना कैसा लगता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अपना रोड पर फोकस रखें और सामने आने वाली चीज़ को कैमरा तो कैच करेगा ही, हमारी आंखें भी करेंगी, तो एक बस मेमोरी बन जाती है कि हमने ये देखा। और काफ़ी सारी रेयर चीज़ें भी हमें मिली हैं जो हो सकता किसी को ना मिली हो, बहुत कम लोगों को मिलती हैं तभी वो रेयर कहलाती है। दोस्तों अभी हम हैं पवलगढ़ के बिल्कुल ख़तरनाक डेंस फॉरेस्ट में, बिल्कुल तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे नहर जिसमें जानवर पानी पीने आते हैं। जानवर मतलब जैसे कि हाथी और अन्य जानवर जैसे डियर्स वगैरह, तो पीते हुए तो कभी देखा नहीं खैर, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी होती हैं पीते हुए देखना बहुत एक अलग ही सुंदर दृश्य होगा, लेकिन रात में तो क्या ही देख पाएंगे। खैर कोई नहीं, तो जंगल बहुत सुंदर है और आज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उमस भी है। आवाज़ सुन ही रहे हैं आप मेंढकों की, झिंगुरों की। तो बस रास्ता कुछ ऐसा है, वो देख ही रहे हैं आप सामने। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है लेकिन उमस भी है। रास्ता आप देखते हैं सामने, देखिए सीधी रोड है, अगर कुछ भी निकलता है आगे से तो दिख जाता है, जैसे कि गाड़ी दिख रही है आपको फिलहाल। तो आई होप इसमें ब्लर की शिकायत नहीं आई। आज थोड़ा अलग मोड में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि मेरे को कंप्लेन आई थी कि ब्लर आता है। वो कंप्लेन क्या, वो हमें भी दिक्कत हो रही थी तो 4K में वीडियो शूट हो रही थी, तो अब हमने मोड चेंज किया है वीडियो का थोड़ा, तो प्रैक्टिकल भी एक प्रकार का, तो मेरे प्रैक्टिकल के हिसाब से वीडियो में ब्लर नहीं हुआ लाइट की वजह से, अदरवाइज़ 4K में ब्लर हो जाता था। जी हाँ, तो कंप्लेन मेरे ख्याल से नहीं मिलनी चाहिए अब। और कैसी लग रही है वीडियो,
इन भाई लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इतना हॉर्न बजा रहे हैं जंगल में। हॉर्न अलाउड है जबकि अलाउ नहीं है। गाड़ी स्लो रखे, देखिए कितनी स्पीड में से आगे निकल गए वो। तो गाड़ी जंगल में स्लो चलाएं। कार खड़ी आगे क्या होगा, खराब हो गई क्या? शायद मे बी आगे कोई कार खड़ी है या तो खराब हुई है या तो कोई दिक्कत होगी, देखते हैं क्या है। लेकिन हम रुक नहीं सकते, जंगल में कभी रुकना नहीं है। बीच जंगल को खास तौर से वैसे नहीं रुकना।